हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दीपक वरु आपकी अपनी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। यहां पे हमारी यूट्यूब चैनल में हम जो गेट एसएससी जेई विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए हम एमसीक्यू लेक्चर से देख रहे थे, उसमें आगे के वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल के जो टॉपिक्स है उसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है उसके वीडियोस हमने देखे थे। आज के इस वीडियो में हम सप्लाई सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसका पार्ट टू हम देखने जा रहे हैं। और फ्रेंड्स, साथ में ही अगर आप स्पेशली गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो अनएकेडमी आपके लिए एक सुपर कॉम्बो ऑफर जो है वो लाया है। इस कॉम्बो ऑफर में अगर आप जो गेट अनएकेडमी का 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप अवेल करते हो, एनरोल करते हो, तो साथ में आपको 1 ईयर का कैंपस प्लेसमेंट एंड आईटी जॉब का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा। और अगर आप गेट का 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप एनरोल करते हो तो साथ में आपको 6 मंथ का कैंपस प्लेसमेंट एंड आईटी जॉब का जो पैकेज है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। और आप अगर उसकी वैल्यू देखें तो साथ में आप 2 ईयर के कोर्स में अगर आपको कैंपस प्लेसमेंट एंड आईटी जॉब फ्री में मिलता है तो आप ओवरऑल जो पैकेज है उसमें आप 29% सेविंग कर सकते हो। और 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आप 27% अपने मनी को सेव कर सकते हो। यहाँ पे जो कैंपस प्लेसमेंट का जो एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है वहाँ पे आपको कैंपस प्लेसमेंट की सारी प्रिपरेशन लाइव बेचिस के द्वारा आपको अवेलेबल रहेगी, साथ में लाइव प्रोजेक्ट अपॉर्चुनिटी भी रहेगी एंड A to Z टेक्निकल स्किल, सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू गाइडेंस, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो इस सब्सक्रिप्शन में आपको अवेलेबल रहेंगे। तो ज़रूर से अनएकेडमी का आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को आप एनरोल करें। साथ में ही गेट के लिए यहाँ पे गेट 2023-24 के लिए, गेट 2023 के लिए ऑलरेडी बैचेस जो इवोल्व एंड स्पार्क बैचेस है ऑलरेडी स्टार्ट 9 फेब से हो रही है, तो उसमें भी आप अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो। और साथ में जो गेट 2024 के लिए भी जो एसेंस और वाव जो बैचेस है वो भी स्टार्ट होने जा रही है 9 फरवरी से, तो उसमें भी आप अपना एनरोलमेंट जो अनएकेडमी का प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उसमें अपना एनरोलमेंट आप करवा सकते हो। और एनरोलमेंट के टाइम आप हमारा जो कोड है DMV10 उस कोड को आप यूज़ करना ना भूले, जिससे आपको जो 10% ऑफ जो है सारे के सारे पैकेज में 10% ऑफ आप उसमें अवेल कर सकते हो। और साथ में ही यहाँ पे गेट 2022 एनालिसिस भी अवेलेबल है अनएकेडमी के द्वारा, जिसमें ऑलरेडी 5 फेब और 6 फेब को CSIT इलेक्ट्रिकल ECN केमिकल का जो गेट 2022 एनालिसिस है वो ऑलरेडी हो चुका है। और आगे आपको 12 फेब और 13 फेब को, 12 फेब को सिविल का और 13 फेब को मैकेनिकल का जो गेट 2022 एनालिसिस है वो आपको अवेलेबल रहेगा, जिसमें आपके जो ऑल जो क्वेश्चन है उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में ही जो एक लास्ट वीक प्रिपरेशन के लिए आपको गाइडेंस सेशन भी अवेलेबल रहेगा और एग्जाम पैटर्न एंड कट ऑफ का जो डिस्कशन है वो भी वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगा। तो इस गेट 2022 एनालिसिस के लिए भी आप अनएकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसको आप एनरोल कर सकते हो। और साथ में गेट जो अनएकेडमी है उसका जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है उस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस का तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, साथ में ही यहाँ पे 1-on-1 लाइव मेंटरशिप भी अवेलेबल रहेगी, जिसमें आप 5 सिंपल स्टेप में अपना जो सेशन है उस सेशन को शेड्यूल कर सकते हो और आपके जो फेवरेट मेंटर है उसके साथ आप अपने जो डाउट सॉल्व है वो आप कर सकते हो। तो फ्रेंड, अनएकेडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को एनरोल करने के लिए आप अनएकेडमी ऐप डाउनलोड करें और साथ में इस पैकेज को एनरोल करने के टाइम हमारा जो कोड है DMV10 उस कोड का आप यूज़ करें, जिससे आपको 10% ऑफ जो है वो आप अवेल कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के जो पार्ट टू में सबसे पहला यहाँ पे आपको MCQ जो दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बोला हुआ है DC लाइन कंपेयर टू द इक्विवेलेंट AC लाइन कैरीज। यहाँ पे आपको DC लाइन एंड AC लाइन का कंपैरिजन, इक्विवेलेंट कंपैरिजन बोला है। ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन ए आपको दिया हुआ है मोर पावर, ऑप्शन बी लेस पावर, ऑप्शन सी सेम पावर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। सो अ DC लाइन कंपेयर टू द इक्विवेलेंट AC लाइन कैरीज, इक्विवेलेंट AC लाइन के साथ अगर हम DC लाइन की कंपैरिजन करें तो जो हम बोल सकते हैं कि क्या वो ज़्यादा पावर कैरी करेगा या लेस पावर कैरी करेगा, सेम पावर कैरी करेगा या उसमें से कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए मोर पावर। सो वी कैन से दैट DC लाइन कंपेयर टू द इक्विवेलेंट AC लाइन कैरीज मोर पावर।
सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 2. द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर अंडर नॉर्मल कंडीशन इज, एयर की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है नॉर्मल कंडीशन में वो हमें कितनी मिलेगी. ऑप्शन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 150 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी 200 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर. दैट मीन्स अंडर द नॉर्मल कंडीशन जो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर जितनी हमें मिलेगी. सो ऑप्शन ए 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट. आपको ऑप्शन में कुछ वोल्टेज रेगुलेशन दिए हुए, उसमें से कौन से वोल्टेज रेगुलेशन की जो वैल्यू है उसको हम बेस्ट कंसिडर कर सकते हैं. ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 70% एंड ऑप्शन डी 98%. तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 2%. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें जो ऑप्शन दिए हुए उसमें से सबसे मिनिमम परसेंटेज को हमने चूज किया है. दैट मीन्स को जो वोल्टेज रेगुलेशन अगर सबसे कम रहेगा तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा. उसके पीछे का रीजन क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द स्मॉलर द वोल्टेज रेगुलेशन, दैट मीन्स द स्मॉलर द डिफरेंस बिटवीन नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज द बेटर इट इज. दैट मीन्स वोल्टेज रेगुलेशन जितना स्मॉल रहेगा उसका मतलब ये है कि जो नो लोड वोल्टेज एंड फुल लोड वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो भी बहुत ही स्मॉल रहेगा. सो दैट इज बेटर फॉर अस. सो वी कैन से दैट 2% वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट. सो ऑप्शन बी 2% इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 4. अ स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट इन, जो स्किन इफेक्ट है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी. ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए डीसी ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन बी एसी ट्रांसमिशन लाइन, ऑप्शन सी केबल कैरिंग डीसी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव. तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन बी एसी ट्रांसमिशन लाइन. दैट मीन्स द स्किन इफेक्ट एग्जिस्ट इन ओनली एसी ट्रांसमिशन लाइन. डीसी ट्रांसमिशन लाइन और केबल कैरिंग डीसी उसमें जो स्किन इफेक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो ऑप्शन बी एसी ट्रांसमिशन लाइन इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 5. इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विल, अगर हम ट्रांसमिशन लाइन की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो उसकी क्या इफेक्ट रहेगी. ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए इंक्रीज द शंट कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी डिक्रीज द लाइन रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी इंक्रीज द लाइन रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी डिक्रीज द लाइन रिएक्टेंस. तो यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी इंक्रीज द लाइन रेजिस्टेंस. That means by increasing the frequency of transmission line will increase the line resistance. So option C is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 6. A given amount of power is to be transmitted over a certain distance with fixed power loss. The volume of copper required is. Agar hum, you can say the गिवन अमाउंट ऑफ पावर, हमें कुछ पावर दिया हुआ है उसको हमें सर्टेन डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना है और यहाँ पे पावर लॉस को हमें फिक्स कंसीडर करना है. तो एट दैट टाइम जो कॉपर का वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड रहेगा, यहाँ पे आपको ट्रांसमिशन वोल्टेज वी एंड पावर फैक्टर कॉस फाई दिया हुआ है. तो अगर हम ऑप्शन देखें तो हमें बोला हुआ है ऑप्शन ए डिरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ऑप्शन बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल टू 1/v² cos² phi, ऑप्शन डी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइव. हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे द वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड दैट इज वी इज प्रोपोर्शनल टू 1/v² कॉस स्क्वेयर फाइव. सो वोल्टेज के स्क्वायर एंड पावर फैक्टर के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कॉपर का वॉल्यूम रिक्वायर्ड रहेगा. सो यहाँ पे हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल टू 1/v² कॉस स्क्वेयर फाइव इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Now the next MCQ, that is MCQ number 7. The disadvantages of power transmission at high voltages are increased cost of. जो power को हम high voltages पे transmit करते हैं उसका जो disadvantage है are increased the cost of. किसकी cost वो increase करेगा. Option हमें दिए हुए, option A insulating the conductor, option B transformer, switch gear etc,
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सो वी कैन से दैट द डिसएडवांटेज ऑफ पावर ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेजेस आर इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ इंसुलेटिंग द कंडक्टर ट्रांसफॉर्मर स्विच गियर एक्सेट्रा। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 8। द हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज बेटर देन द हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ। जो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन है वो हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन से बेटर है, उसके पीछे का रीजन क्या है। ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ स्किन इफेक्ट, ऑप्शन सी बेटर वोल्टेज रेगुलेशन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो। सो वी कैन से दैट द हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इज बेटर देन द हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन बिकॉज ऑफ absence of inductance and capacitance, absence of skin effect and better voltage regulation. So option D, all of the above is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 9. In a DC two wire feeder, the voltage drop per wire is 2.5%. The transmission efficiency of the feeder is. यहाँ पे आपको DC two wire feeder के बारे में पूछा हुआ है। यहाँ पे voltage drop per wire that is 2.5%. So transmission efficiency feeder की कितनी रहेगी? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 97.5%, ऑप्शन बी 95%, ऑप्शन सी 93.75% एंड ऑप्शन डी 98.75%। तो यहाँ पे अगर हम फीडर की ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कैलकुलेट करें तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी दैट इज इक्वल टू 1 माइनस पर यूनिट ड्रॉप। सो यहाँ पे पर वायर ड्रॉप हमें 2.5% दिया हुआ है। सो 1 माइनस 2 × 0.025, क्योंकि 2 वायर डीसी सिस्टम है, सो 2 × 0.025, सो 1 − 0.05, सो दैट इज 0.95, दैट इज 95%। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 95%। सो वी कैन से दैट इन ए 2 वायर डीसी फीडर द वोल्टेज ड्रॉप पर वायर इज 2.5%, the transmission efficiency of the feeder is 95%. So option B, 95% is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 10. The feeder is designed mainly from the point of view of, जो feeder हम design करते हैं वो किसके point of view से हमें design करना चाहिए। option हमें दिए हुए हैं, option A its current carrying capacity, option B voltage drop in it, option C operating voltage and option D operating frequency. यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी। सो वी कैन से दैट द फीडर इज डिजाइन मेनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी इज द मेन पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी कैन से दैट हियर अ फीडर इज अ कंडक्टर दैट कनेक्ट द सबस्टेशन और अ लोकलाइज जनरेटर टू द एरिया वेयर पावर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। So generally no tappings are taken from the feeder and that's why the feeder must carry the required current safely so that it is designed from the point of view of current carrying capacity. So option A, its current carrying capacity is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 11. The transmission of electric power is carried out at high voltages because it reduces the. हम जो electric power का जो transmission है उसको हम high voltages पर carried out करते हैं, उसके पीछे का reason क्या है, उस high voltage पे electric power को transmit करने से क्या reduce होगा। So option हमें दिए हुए हैं, option A volume of conductor material, option B percentage line drop, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबो। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। सो वी कैन से दैट द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज कैरिड आउट एट अ हाई वोल्टेज इज बिकॉज इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल एज वेल एज परसेंटेज लाइन ड्रॉप। सो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 12। The permissible variation of frequency in the power system is, power system में frequency की permissible variation हम कितना sustain कर सकते हैं। option हमें दिया हुआ है, option A ±3%, option B ±1%, option C ±5% and option D ±6%। तो यहाँ पे आपका answer रहेगा option A ±3%। So we can say that the permissible variation of frequency in the power system is ±3%. So option A is the correct answer. Now the next MCQ, that is MCQ number 13.
A single phase AC system supplies a certain power and this system is converted to three phase AC system by running a third similar conductor. The percentage additional load that can be supplied for the same voltage between conductors and the same percentage loss is. यहाँ पे आपको बोला हुआ है कि एक सिंगल फेज एसी सिस्टम अवेलेबल है, वो सर्टेन पावर सप्लाई कर रही है. इसी सिस्टम को अगर हम थ्री फेज एसी में कन्वर्ट करें, तीसरा एक सिमिलर कंडक्टर हम रनिंग करके, सो एट दैट टाइम परसेंटेज एडिशनल लोड जो है दैट कैन बी सप्लाइड फ्रॉम द सेम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर्स एंड द सेम परसेंटेज लॉस यहाँ पे हमें कितना मिलेगा. सो ऑप्शन हमें दिए हुए, ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 75%, ऑप्शन सी 100% एंड ऑप्शन डी 125%. तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन देखें तो हम बोल सकते हैं द लाइन वोल्टेज V in three phase system is the same as that of a single phase voltage, right? So percentage copper loss in single phase that is equal to 2I1 square R divided by VI1 cos 5 multiplied by 100. So here 2I1 R divided by V cos 5 into 100 and the percentage copper loss for three phase that is equal to 3I2 square R divided by root 3 VI2 cos 5 multiplied by 100. So final that is root 3 I 2 R divided by V cos 5 into 100. Now if we here the percentage losses are same, right? So if we compare both that 2 I 1 R divided by V cos 5 into 100 is equal to root 3 I 2 R divided by V cos 5 into 100. So we can say I 2 is equal to 2 divided by root 3 I 1. So the power supplied in 3 phase that is root 3 V I 2 cos 5. And root 3 V I2 is equal to 2 by root 3 I1. So here root 3 V 2 by root 3 I1 cos 5. So 2 V I1 cos 5. That's why the percentage increase in load supplied is equal to 2 V I1 cos 5 minus V I1 cos 5 divided by V I1 cos 5 into 100. That is equal to 100%. So our answer is option C 100%. Now the next MCQ, that is MCQ number 14. A 50 km long transmission line supplies a load of 5 MVA at 0.8 power factor lagging at 33 kV. यहाँ पे आपको एक long transmission 50 किमी long transmission line दी हुई है जो 5 MVA का power 0.5 power factor पे 33 kV पे transmit कर रही है. The efficiency of transmission that is 90% and the volume of aluminium conductor required for single phase two wire line is, यहाँ पे आपको aluminium conductor का कितना volume single phase two line wire के two wire line के लिए required रहेगा वो आपको find out करना है. यहाँ पे aluminium का जो specific resistance है that is given 2.85 into 10 raised to minus 8 ohm into meter. So option हमें दिए हुए हैं, option A 9.34 meter square, option B 12.65 meter cube, option C 10.56 meter cube and option D 16.35 meter cube. तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा. सो द पावर ट्रांसमिटेड दैट P इज इक्वल टू एम वी ए कॉस 5. हियर एम वी ए दैट इज 5 इन एम वी ए, सो 5 इंटू 10 रेस टू 6 एंड कॉस 5 दैट इज 0.8. सो पावर ट्रांसमिटेड दैट इज 4 इंटू 10 रेस टू 6 वॉट एंड द लाइन लॉस इज दैट इज पी एल. सो पी एल इज इक्वल टू 10% ऑफ पावर. So 10% of power, so we can say 0.1 into 4 into 10 raised to 6, that is 4 into 10 raised to 5 watt. Now MVA that is equal to VI, so MVA is a 5 into 10 raised to 6 and VI, so 33 into 10 raised to 3 into I, so I is equal to 151.5 ampere. Let A1 be the area of each conductor in meter cube, so PL is equal to 2I square R, or PL is equal to 2I square in place of R if we put rho L by A1. So here PL, so PL we already find that is 4 into 10 raised to 5 watt. So 4 into 10 raised to 5 that is equal to 2I, so I is equal to 151.5. So 2 into 151.5 square multiply by rho that is 2.85 into 10 raised to minus 8 into L, that is length of line, so 50 into 10 raised to 3 divided by A1. So here A1 that is equal to 1.6635 into 10 raised to minus 4 meter square. So if we want to find the volume of conductor material, that is equal to 2 A1 into L. So
तो 2 × 1.635 × 10⁻⁴ × 50 × 10�³, सो द आंसर इज 16.35 मीटर क्यूब. सो हियर ऑप्शन डी इज 16.35 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम कंडक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल फेज टू वायर लाइन. सो ऑप्शन डी 16.35 मीटर क्यूब इज द करेक्ट आंसर. नाउ द नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 15. With the increase in the values of voltage and power factor, the cost of transmission line conductor. अगर हम voltage और power factor की value increase करेंगे तो transmission line की जो cost, transmission line conductor की जो cost है, the cost of the transmission line conductor, उसमें क्या effect हमें मिलेगी. Option हमें दिए हुए हैं, option A decreases, option B increases, option C is unaffected and option D increase exponentially. Here we can say the cost of conductor material, that is C, is proportional to 1 upon V square into cos square 5. So if we increase the value of voltage and power factor, so here voltage and power factor value is increased, at that time the cost of conductor material will decrease. So option A decreases is the correct answer. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे उसके पार्ट टू को हमने स्टडी किया. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें कि जिससे उन्हें भी गेट, एसएससी जेई, वीएसजेई, असिस्टेंट इंजीनियर, उस सारे के सारे इलेक्ट्रिकल रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स है उसमें प्रिपरेशन के लिए कुछ हेल्प मिल सके. और अगर आपके कोई डाउट्स हो, आपके कोई सजेशंस हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो. और साथ में हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. और ये जो सारे के सारे एमसीक्यू रिलेटेड वीडियोस है, उस वीडियोस की अगर आपको पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप हमारी टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक यहाँ पे आपको दी हुई है, उस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो.